दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिन ऑइश पे। ये एक ऐसा शेयर को लेके अगर हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया है, तो स्टॉक में देखा कि दो तीन दिन से जो है ये शेयर ज़बरदस्त तेजी बना रहा है। तो क्या चल रहा है स्टॉक में? तो दोस्तों, ऐसे सारे डिटेल्स देखने को मिला है इस शेयर को लेके, जिसके चलते मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मालामाल हो रहे हैं, उन लोगों को जो बहुत ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको लेके एक डिटेल्स में वीडियो बनाते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, जहाँ पर आपको बोनस मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है एक ज़बरदस्त। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा इस शेयर को लेके। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे जो भी अपडेट्स है इस स्टॉक को लेके वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, केपीपी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिन ऑइश को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आप वीडियो जरूर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो के कमेंट्स में और डिटेल्स में हम लोगों ने जो है हमारे जो नया यूट्यूब चैनल है उसमें भी रेगुलर वीडियोज मिलते रहते हैं स्टॉक शेयर मार्केट को लेकर, उसका भी लिंक दे के रखें, तो उसको जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। की बातें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेयर है इसका मतलब बोल सकते हैं कि लगभग यहाँ से हम लोग देखते हैं एक महीने में 1.08% का जो है तेजी बनता हुआ देखने को मिला। शेयर का प्राइस लगभग अभी जो यहाँ पे 1,144 रुपीस के आसपास चल रहा है। और वही दोस्तों, यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर भी अगर देखेंगे तो शेयर में एक ज़बरदस्त तेज़ी बना, एक दिन में भी शेयर में तेज़ी बना है। तो इसको लेकर हम लोगों ने डिटेल्स में रिसर्च किया है, तो वो आगे शेयर करेंगे। तो आप देखिए, शेयर का प्राइस जो है अभी यहाँ से और बढ़ सकता है क्या? स्टॉक का हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक दिन का आप देख सकते हैं जो इसका लो प्राइस है वो है 1,138 रुपीस का, और जो हाई प्राइस है वो है 1,179 रुपीस का। और 52 का लो प्राइस 410.40 पैसे का, और 52 का हाई प्राइस 1,258.50 पैसे का। मतलब यहाँ पे देखिए, जो इसका 52 का हाई प्राइस है 400 के आसपास था और अभी 1200 के आसपास पहुंच गया है ये शेयर। मार्केट कैप की बात करते हैं स्टॉक का, ये जो एक मिड कैप शेयर है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 14,898 करोड़ का है। पीवी रेशियो 34.66 का है। एंड वही दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं जो पीवी रेशियो है 3.17 का है, इंडस्ट्री पी 32.99 का है। थोड़ा बहुत यहाँ पे इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कंपनी कैसा चल रहा है। ये जो इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 560 करोड़ से रेवेन्यू जंप होके 1,100 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू देखिए आप, जहाँ पे एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। वही दोस्तों, बात करते हैं जो इसका प्रॉफिट है, जहाँ पे प्रॉफिट का देख सकते हैं, जहाँ पे 98.65 करोड़ से बढ़ के 182 करोड़ हुआ है क्वार्टरली। एंड वही दोस्तों, यहाँ पे ईयरली रेवेन्यू की बात करते हैं, तो ईयरली रेवेन्यू में आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है ईयरली रेवेन्यू में, जहाँ पे 3,454 करोड़ से घट के जो है 2,572 करोड़ हुआ है। वही दोस्तों, जो इसका ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ईयरली प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे 3,450 करोड़ से घट के 2,572 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डिंग में जो है प्रोमोटर्स हैं उनके पास आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त जो है स्टेक रखा है। ये पीएसयू है, पीएसयू अब 72.86% का स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है, 19.11% का स्टेक रिटेल एंड अदर्स के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 5.81% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 1.93% का स्टेक है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दे हैव 0.29% स्टेक। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है एक ज़बरदस्त बिजनेस करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये डिफेंस स्टॉक है, पीएसयू डिफेंस स्टॉक जाम 7.65% आफ्टर डिक्लेयरिंग 2:1 स्टॉक स्प्लिट ₹8 शेयर डिविडेंड। तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड, ये एक मिड कैप शेयर है जहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है पीएसयू का। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या चल रहा है और इसको लेके क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये जो शेयर है इसका मतलब बोल सकते हैं मिड कैप पीएसयू शेयर, जिसका डिफेंस सेक्टर से कंपनी है, जो उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, शेयर विटनेस ए रैली ऑफ 7.65% आफ्टर जब इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है ₹8 जो है इसका डिविडेंड, और जो स्टॉक स्प्लिट है, शेयर स्प्लिट है, वो है 2:1 का, जो कि November 7, 2023 क्या है। द कंपनी ऑल्सो अनाउंस इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन November 7, मतलब इसका जो रिजल्ट आया है Q2 2024 का, उसके बाद ये डिक्लेयर किया है कि ₹8 डिविडेंड देने वाला है दोस्तों एक शेयर का जो है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी कर रहा है 2:1 का। एंड कोचिन शिपयार्ड स्टॉक वॉज प्राइज्ड 1042 ऑन November 7, एंड नाउ द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वॉज मतलब वो अभी जो है ₹1100 के ऊपर पहुँच गया है ये शेयर। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा इसको लेके हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो आप देखते हैं कि कोचिन शिपयार्ड शेयर जो है
इसके शेयर के प्राइस में लगभग 11.57% के आसपास जो है तेजी हम लोग को बनता हुआ देखा है। जैसे ही ये कंपनी जो है रिकमेंड किया है बोनस शेयर एंड इंटरिम डिविडेंड और नवंबर 7, 2023 कोचिन शिपयार्ड शेयर प्राइस जो है इसमें तेजी बना। अभी यहाँ पे जो ₹8 का डिविडेंड देगा इसको थोड़ा समझते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोचिन शिपयार्ड जो है यहाँ पे ट्रेडेड एक्स डिविडेंड ₹4.08 पर शेयर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू BSE फाइलिंग ऑफ द कंपनी डेटेड नवंबर 7, 2023 डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹8 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप 80% जो कि है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 फिक्स्ड मंडे नवंबर 20, 2023 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द जो एफर्ट्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एफर्ट्स इंटरिम डिविडेंड ये दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे 80% का जो कि इसका फेस वैल्यू ₹10 के आसपास का है, तो ₹8 का आपको डिविडेंड दे रहा है ये कंपनी और इसका रिकॉर्ड डेट है 20 नवंबर 2023 को। दोस्तों वही यहाँ पे देखते हैं कोचिन शिपयार्ड का जो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे एज पर द रेगुलरिटी फाइलिंग द कंपनी डेटेड नवंबर 7, 2023 अप्रूव द सब डिविजन स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड अप सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो मतलब यहाँ पे जिसके पास भी एक शेयर है उसको 2 शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आप बोल सकते कि ये जो है फिलहाल अभी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके अप्रूवल के ऊपर है। फिलहाल यहाँ पे इसका जो स्टॉक का फेस वैल्यू है इसका शेयर का जो कि है ₹10 उसको जो है ₹5 किया जाएगा और उसके बाद जो जिसके पास भी एक शेयर है उसको 2 शेयर मिल जाएगा वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा आप बोल सकते कि इस कंपनी की ओर से एक अपडेट आया है जिसके चलते शेयर मार्केट में जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स शेयर को खरीद रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक का अगर देखेंगे हम लोग एक साल के अंदर, तो लास्ट मतलब बोल सकते कि ट्रेडिंग प्राइस जो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कोचिन शिपयार्ड का जो कि ₹1100 के ऊपर था पर शेयर एज ऑफ नवंबर 2023, इसका जो 52 का हाई प्राइस जो हम लोग ने थोड़ा समय पहले देखा है जो कि ₹1258 का पर शेयर था, 52 का लो प्राइस जो था ₹411 पर शेयर रेस्पेक्टिवली। द कंपनी हैज़ ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 14,755.50 करोड़। कोचिन शिपयार्ड शेयर्स जाए जो यहाँ पे गेन 32% इन लास्ट मंथ्स। तो यहाँ पे इसका मार्केट जो कैपिटल है 14,755.50 करोड़ का है और इस कंपनी की ओर से बोल सकते कि दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये अपडेट देखने को मिला है, जहाँ पे कंपनी जो है कोचिन शिपयार्ड जो है एक ₹8 का लगभग 80% के आसपास का डिविडेंड दे रहा है और यहाँ पे स्टॉक भी जो है स्प्लिट हो रहा है। अगर आपके पास कोचिन शिपयार्ड का शेयर है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं कुछ से पर जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।